वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है. वेनेजुएला अ कंट्री दैट हैज सफर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन मॉडर्न हिस्ट्री. एक टाइम पर लैटिन अमेरिका की सबसे अमीर कंट्री से आज ऐसा टाइम आ चुका है जहां उनकी सैलरी बस महीने के 500 रुपए के बराबर हो चुकी है. व्हाट वाज द एवरेज सैलरी ऑफ गवर्नमेंट पीपल? $7. इट्स $7. किडनैपिंग, रॉबरी और क्राइम यहां पर इतना कॉमन हो चुका है कि लोग शाम को घर से बाहर निकलना छोड़ चुके हैं. इस देश में दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल होने के बावजूद पेट्रोल स्टेशन में ऑयल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और टॉयलेट में पानी नहीं होता. यहाँ पे लोग कभी कभार तो रात रात गाड़ी में सो जाते हैं क्योंकि नंबर आता ही नहीं. भाई अभी मैं वीडियो बना रहा था, अभी तक भाई ये लाइन खत्म नहीं हुई है. आज हम लोग ट्रैवल करेंगे वेनेजुएला एंड देखते हैं क्या है रियलिटी ट्रैवलिंग इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज. स्वागत है गाइस आप लोगों का हमारे नए वीडियो में. तो कैसे हो सभी लोग? अभी मैं फिलहाल हूँ एल विहिया वेनेजुएला, जो कि पड़ता है वेनेजुएला के वेस्टर्न साइड में. लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि यार मैंने कोलंबिया बॉर्डर से वेनेजुएला एंटर किया था एंड जितनी भी स्टोरी थी मेरी वेनेजुएला ट्रैवल करने की, मेरी बॉर्डर क्रॉसिंग की, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था. एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहां से वेनेजुएला से जितनी भी चीजें हैं वो आप लोग सीरीज वाइज हर वीडियो कंटिन्यू करते करते देखो, क्योंकि अगर आप एक वीडियो छोड़ दोगे तो शायद आप लोग स्टोरी है स्टोरी से मिस आउट कर जाओगे एंड चीजें जो आपको समझ नहीं आएगी. अगर आपको बता दूं गाइस वेनेजुएला जो है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस करने वाला देश है हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में, मतलब हमारी ह्यूमैनिटी में जितना भी टाइम देखा है लोगों ने, इंसानों ने जितना भी टाइम देखा है वेनेजुएला जितना किसी भी कंट्री ने इतना इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस नहीं करा. 2018 में वेनेजुएला में कुछ अराउंड 300% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था एंड यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ की जो करेंसी है करेंसी की पूरी वैल्यू खत्म हो गई. आज फिलहाल यहाँ पे ऐसी हालत हो चुकी है कि यार यहाँ पे कोई भी लोकल करेंसी इस्तेमाल नहीं करता. किसी को लोकल करेंसी दोगे तो कभी लेगा भी नहीं, लेना चाहेगा भी नहीं, सभी को बस यहाँ पे डॉलर चाहिए एंड डॉलर यहाँ पे सोने के जैसा है. अभी लोगों का बैंक के सिस्टम में भरोसा उठ गया है, लोग बैंक में पैसा डालना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है अगर वो लोकल बैंक में वेनेजुएलन करेंसी डालेंगे जिसको वेनेजुएलन बोलिवारेस भी कहते हैं, आज अगर फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए बैंक में रखा कल शायद वो 1,00,000 से 10,000 रुपए हो जाए, ठीक है ना. यहाँ पे इतनी वैल्यूएशन इन्फ्लेशन है तो कोई भी अपना पैसा बैंक में डालना नहीं चाहता है. इसीलिए वेनेजुएला में कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू नहीं है. सारे लोग अलग अलग कंट्री में जाके माइग्रेट हो रहे हैं वेनेजुएला के, बहुत सारे लोग यूएस जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कोलंबिया जा रहे हैं, कुछ अराउंड 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग कोलंबिया माइग्रेट हुए हैं वेनेजुएला से. एंड जहां पर भी चाहते हैं वो कहीं पर भी ले चले जाओ उनको वेनेजुएलियंस को चले जाएंगे, बस वेनेजुएला में नहीं रहना लोगों को. अगर वेनेजुएला की बात करो तो दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल इस देश में आपको देखने को मिलता है, पर बल कल रात को हम लोग ने देखा कि यहां पे भाई लाइन लगी है तेल भरवाने के लिए गाड़ी में. ये सारी दिक्कतें हैं भाई, बहुत बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे वेनेजुएला में नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है. फॉर एग्जांपल कल मैं मेरे होस्ट के घर पे रुका था, 3 से 4 घंटे तक भाई लाइट ही नहीं थी और इतनी गर्मी है फिलहाल एलविया में. एलविया जो है काफी गर्म प्लेस है. अभी आप मेरे को देख रहे हो तो समझ पा रहे हो, देख के पूरा पसीना पसीना आ रहा है. यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है एंड मुझे पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रह रहे थे. एंड हफ्ते में 2-3 बार तो बहुत कॉमन है कि भाई लाइट चली जाएगी एंड यहाँ पे मॉल्स तक में लाइट नहीं रहती यार. ये रियलिटी है यहाँ पे वेनेजुएला की. आप बिलीव नहीं करोगे, वेनेजुएला जो है एक टाइम पे लैटिन अमेरिका का, साउथ अमेरिका सबसे अमीर देश हुआ करता था. यूरोप अमेरिका से लोग यहाँ पर आके काम करते थे एक टाइम पे. एंड वही आज का टाइम ऐसा है कि यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता. कहीं पे भी लेके चले जाओ वेनेजुएलियंस को वो चले जाएंगे, पर वेनेजुएला में कोई रहना नहीं चाहता. फिलहाल अभी हम लोग एलविहिया में एलविहिया से हम ट्रैवल कर रहे हैं मेरिदा करके. एलविहिया बहुत ही गर्म प्लेस है, पर अगर लोग को जाना है कहीं पे अगर डे ट्रिप के या फिर कुछ अगर इंटरेस्टिंग करना है तो लोग यहाँ पे मेरिदा करके जगह है जो कि बहुत मशहूर है, बहुत टूरिस्टी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है ऐसे कह रहे हैं. एंड हमारे साथ है हमारे फ्रेंड जो कि मेरे को कल यहाँ पे एलविहिया में मिले थे. इनको मिलने की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है भाई. कल मैं बस नॉर्मली इनके कैफे है यहाँ पे एलविहिया में एंड कॉफी का शॉप है. मैं ऐसे ही इनकी कॉफी शॉप में गया एंड बस कॉफी ऑर्डर कर रहा था एंड लकीली इनको इंग्लिश आती थी तो मैं इतना सरप्राइज हो गया कि यार यहाँ पे एलविहिया में इतने छोटे प्लेस में वेनेजुएला में लोग इंग्लिश बोल रहे हैं. एंड उसी दौरान हमारी दोस्ती हुई एंड उसके बाद इन्होंने कल रात को मेरे को भाई टूर भी दिया एलविहिया का. एंड अभी ये मेरे को भाई जो मेरिदा करके जो प्लेस मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे ये मेरे को लेके जा रहे हैं. सो हियर इट इज सांद्रा एंड हियर इट इज सोलांजी एंड यू गाइस मेट मी आउट ऑफ नोवेयर यस्टरडे इन योर कैफे एंड नाउ वी आर फ्रेंड्स. ये मेरी वीडियो बना रही है. सो वी आर गोइंग टू मेरिदा. या Yes, we are going to Merida. So, Merida is a very famous place here? Yes, it's very famous. Okay. It's a very famous city in all of Venezuela. And it's very pretty. Okay. Good weather. Okay.
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरिठ का वेदर काफी बढ़िया है, एलविया बहुत ही गर्म प्लेस है। पहली बात तो यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा यार कि मैं फिलहाल अभी वेनेजुएला ट्रैवल कर रहा हूँ। वेनेजुएला ट्रैवल करते करते पहले दिन ही मेरे को भाई ऐसे इतने इंटरेस्टिंग लोकल मिल गए जो कि मेरे को भाई अभी जो वेनेजुएला घुमा रहे हैं भाई, यही सबसे खास बात लगता है मेरे को ट्रैवल करने का। मैं इतना डरा हुआ था वेनेजुएला ट्रैवल करने जब मैं कर रहा था, मैं लिटरली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया यार यहाँ पर मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, इतने इंटरेस्टिंग, इतने मतलब फ्रेंडली लोग जो मेरे को यार अगले दिन उनके साथ घूमने के लिए आ गया यहाँ पे वेनेजुएला ऐसे कंट्री में। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाई देख सकते हो यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं है, टोल है ये, एंड टोल में हर जगह आपको मदुरो साहब का भाई नाम लिखा मिलेगा। व्हाट इज रिटन हियर, मेरिठ दे दा ला बेनवेदा मींस मेरिठ वेलकम्स यू। ओके, एंड दैट मदुरो इज द प्रेसिडेंट, या यस हिज नेम इज एवरीवेयर इन वेनेजुएला। हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने यार हमारे लिए घर से बनाकर भाई एरेप्पा लेके आए हैं। आई थिंक ये कौन से बनता है, बहुत मशहूर ब्रेकफास्ट है कोलंबिया में, पर यहाँ पे वेनेजुएला में बहुत खाते हैं। यहाँ पे यार हम लोग यार एक जगह पे आए हैं, यहाँ पे पानी खरीदने के लिए आए हैं, ठीक है ना भाई, बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे एक बड़ा बॉटल, एक लीटर का बॉटल $2 का बिक रहा है, मतलब इंडियन रुपीज में बताऊं तो अराउंड 150 रुपए का भाई एक पानी का बॉटल बिक रहा है। सो दिस नॉर्मली वन वाटर बॉटल कॉस्ट $2 नॉर्मली इन वेनेजुएला, दिस इज बिकॉज इट्स टूरिस्ट इन हाईवे। एंड नॉर्मली हाउ मच इज वन वाटर बॉटल? $1 भाई, 50 सेंट भी अगर हो तो भाई 50 रुपए का भाई पानी का बॉटल मिल रहा है यहाँ पे वेनेजुएला में। यार इतना महंगा है यार वेनेजुएला। हाँ आप बिलीव नहीं करोगे, हमने अभी फिलहाल तीन नारियल लिए जो कि $1 का है, एंड एक पानी का बॉटल लिया जो कि अगेन $1 दिया उन्होंने, ठीक है ना। एंड यहाँ पे प्राइस है डॉलर और बोलीवार्स में बताऊँ तो $1 इज इक्वल टू अराउंड 4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ बोलीवार्स। पर यहाँ पे 4 करोड़ में क्योंकि इतने ज्यादा जीरोज हैं तो इन्होंने क्या कराया यहाँ पे लोकल सरकार ने, जितने भी जीरोज है सारे कम कर दिए हैं, 4 करोड़ को 40 कर दिया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पूछोगे आप लोग $1 की वैल्यू क्या है तो 40 बोलेंगे, पर एक्चुअली 40 नहीं है, 4 करोड़ है। एंड क्योंकि 4 करोड़ इतना बड़ा नंबर हो जाता है तो सरकार ने क्या कराया भाई, जीरो खत्म कर दिया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यार 3 नारियल लिए, एक पानी का बॉटल लिया, हमारा बिल आया 150 बोलीवार्स, ठीक है। एंड 150 को अगर मैं नॉर्मली बताऊं, 150 यहां पे कह रहे हैं पर नॉर्मली अगर बताऊं तो ये हुआ 15 करोड़ रुपए का, 15 करोड़ बोलीवार्स, ठीक है ना। तो इतना खतरनाक भाई यहां पे करेंसी है, देख सकते हो आप लोग कि भाई $1 की वैल्यू कुछ 4 करोड़ बोलीवार्स है, ऐसी वो सिचुएशन है यहाँ पे, समझ सकते हो आप लोग। आप बिलीव नहीं करोगे, इनकी करेंसी समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत ईरान जैसा ही है। जब मैं ईरान गया था वहाँ पे भी बहुत करेंसी की वैल्यूएशन काफी होती है, बट यहाँ पे भाई उससे भी भाई 4-5 times ज्यादा बोल सकते हो आप लोग। तो भाई यहाँ पे मेरिठ की तरफ एंट्री ले रहे हैं, एंड जैसे एंट्री ले यहाँ पे भाई मैकडॉनल्ड्स देखने को मिल गया। डू यू हैव अमेरिकन ब्रांड्स इन वेनेजुएला? यस, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑल द ब्रांड्स। तो यहाँ पे वेनेजुएला में भले सैंक्शंस हैं बट यहाँ पे सारे ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक ईरान वगैरह में तो देखने को नहीं मिलता है सब, उन्होंने अपना भाई कॉपी बना कर रखा है, बट यहाँ पे सारे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ना वेनेजुएला में मैं पता नहीं क्या है, यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी पुरानी पुरानी देखने को मिल रही है ना यार। फॉर एग्जाम्पल कल जब मैं यहाँ पे एलविया में भी था, यहाँ पे पुराने फोर्ड के भाई पुराने गाड़ियाँ और जितनी भी कार भी हैं इतने पुराने देखने को मिल रहे हैं, विंटेज टाइप भाई, ठीक है। कल तो जब मैं पहली बार एलविया आया ऐसा लग रहा था कि मैं 40-50 साल पीछे आ गया हूँ कहीं पे, और सब कुछ ही भाई पुराना लग रहा है मेरे को। यार बिलीव नहीं करोगे, वॉशरूम में आया हूँ, पब्लिक वॉशरूम है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो वॉशरूम है। एंड यहाँ पे नल चला रहा हूँ, देख सकते हो पानी नहीं आ रहा, लिटरली बेसिक पानी तक नहीं है यार यहाँ पे, क्या चल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैंने कहीं नहीं देखा इतना खराब यार भाई, अफ्रीका में तक इतनी प्रॉब्लम नहीं देखा मैंने कि यार पानी नहीं आ रहा, पानी तो हर जगह आया था यार। तो फ्रेंड्स ये थे चेकोलोवाकिया, ये थे मारा कुछ। These guys work here? They sell this. What they are saying? They are happy because you are from India. And he said that he's from France. France. You are from France? No, yo soy venezolano, me. Venezuela. Wait, wait, si tú ves, yo te puedo hablar en francés, très bien. Me tomé para la India. ¿Tú eres de Mérida? Sí. No, ¿Mérida? De Mérida, de Caracas, la azulita. You look so cool. Tell him that he looks so cool. Con tu hola. Pero mira, pueden comprar algo también, ayudar a los panas. Esto. Tú que conoces la India. En la India, este tipo de yapamala. ¿Tú conoces yapamala? ¿Mala? ¿Yapamala? Sí, sí, sí. Este es un yapamala venezolano. Ok. Y te hace... तो ये हम जो माला है como un rosario. माला जापने का कह रहे हैं, शायद इसी का कुछ जापने का कुछ होगा। Peonía. Sí. Mira cómo te queda. Okay.
बट आई डोंट वांट ओके क्लासिक कॉम्प्रोमाइज ओके तो इन्होंने भाई हमको ये पहना दिया वाइन एनर्जी काफी बढ़िया लग रहा है दिस इज सो कूल थैंक यू सो मच हम लोग जो मेरिदा है मेरिदा शहर के बाद सेंट्रल एरिया में भाई फिलहाल हम लोग अभी आए हुए हैं एंड ये भाई सारा यहां पे पूरा जो शहर है शहर का भाई माहौल देख सकते हो आप लोग बहुत सारे कॉलोनियल आर्किटेक्चर देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को सारे भाई आई थिंक स्पेन स्पेनिश आर्किटेक्चर ही मोस्ट प्रोबेबली होंगे या फिर जो भी यहाँ पे कॉलोनीज रही है यहाँ पे उसी के सारे हिस्टोरिकल यहाँ पे बिल्डिंग देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को बता दूं गाइस वेनेजुएला एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में से आता था एंड आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है वेनेजुएला में सीरिया इराक अफगानिस्तान सोमालिया ये सारे कंट्री फेल थे भाई जो सिचुएशन थी वेनेजुएला की पर अगेन उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब मैं काराकास लेके जाऊंगा आपको जो कैपिटल है बट फिलहाल अभी तो फिलहाल हम मेरिदा में जो कि बहुत ही छोटा सा शहर है स्मॉल टाउन बोल सकते हो आप लोग वेनेजुएला का एंड ये भाई यहाँ पे सारा माहौल है छोटे शहरों का भाई यहाँ पे मेरिदा में व्हाट इज हैपनिंग हियर ओके इट्स फॉर द इलेक्शन दे आर फ्रॉम द निकोलस मदुरो पार्टी या ओके तो निकोलस मदुरो जो है यहाँ फिलहाल वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है तो वहाँ पे कुछ इलेक्शन कैंपेन हो रही है यहाँ पे प्लाजा बोलीवार दिस इज लाइक द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेरिदा सो पीपल कम हियर टू हैंग आउट एंड स्पेंड टाइम एंड वी हैव दिस इन एवरी सिटी इन वेनेजुएला एवरी सिटी हैज अ प्लाजा बोलीवार ओह प्लाजा बोलीवार इज लाइक अ पार्क वेनेजुएला में प्लाजा बोलीवार है हिस्टर में बोल रहे हैं हर शहर में एक प्लाजा बोलीवार होता है एंड यहाँ पे फिलहाल ऐसे भाई गार्डन वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं हैंग आउट करने के लिए एंड म्यूजिक वगैरह चल रही है यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिल जाती है आपको रेस्टोरेंट वगैरह देखने को मिल जाती है यहाँ पीछे भाई स्टॉल गए थे स्टॉल में भाई मैंने ये वाला ब्रेसलेट लिया ये आई थिंक वेनेजुएला का ये बोल रहे हैं एंड इसके लिए $1 चार्ज किया उसने $1 मतलब कुछ 4 crore वेनेजुएलन बोलीवारेस काफी बढ़िया प्राइस लिया $1 बोल रहे थे जो कि अगेन हमारे फ्रेंड बोल रहे थे काफी जरूरत है यहाँ पे लोगों को कि लोग टूरिस्ट अगर आ रहे हैं तो लोग यहाँ पे पैसे खर्च करें क्योंकि बहुत कम टूरिस्ट आते हैं एंड बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है यहाँ पे एज अ टूरिस्ट दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन वेनेजुएला How is everything in Venezuela now? Is it better than before? Yes, it's better than before. Okay. Yes. But how was the things different like 2-3 years ago? It was difficult to find food. It was difficult to find gas. Everything is better now. It's getting better now. Yeah. Okay. So in Venezuela, you guys speak Spanish? Yes. Like Spanish. Everyone speaks Spanish. Yes. Or do you also have other language? No, we don't have other language. Only Spanish. You can I can see you can speak very good English. Like, is it common for people to speak English also? It's not very common. Okay. Yes. But you speak very good English. Yes. And that's how we become friends. Yes, that's how we become friends. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंग्लिश उतना कॉमन नहीं है पर तभी भी इनको ये इंग्लिश बोलते क्योंकि ये बाहर रह चुकी है वेनेजुएला के एंड इन्होंने काम कराया है वेनेजुएला के बाहर इसीलिए इनको इंग्लिश आती है बट नॉर्मली उतना कॉमन नहीं है बोल रहे हैं पर कोलंबिया से ज़्यादा कॉमन है ऐसे बोल रहे हैं हमारे फ्रेंड एंड यहाँ की लैंग्वेज जो है स्पेनिश है बट जो मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे इंडिजीनियस भाषाएँ भी लोग बोलते हैं जो अमेजॉन फॉरेस्ट है वेनेजुएला में अमेजॉन फॉरेस्ट भी लगता है तो फॉरेस्ट की तरफ जाओगे तो बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस भी लोग बोलते हैं यहाँ पे पर उसके लिए आपको बहुत इंटीरियर जाना पड़ेगा सो यू वर सेइंग दैट इन वेनेजुएला व्हाट वाज द एवरेज सैलरी ऑफ गवर्नमेंट पीपल हु वर्क इन द गवर्नमेंट $7 इट्स $7 If it is $7, how they manage everything? They just do other things. Other things? See, people don't can have just one job. Okay. Two or three jobs. तो यहाँ पे हमारी फ्रेंड बोल रही है कि जो वेनेजुएला है वेनेजुएला में सरकारी नौकरी के जो एम्प्लॉयज है उनका महीने का सैलरी $7 है आपने सही सुना $7 है जो कि कितना होता है भाई कुछ 500-600 रुपए महीने का भाई ये यहाँ पे सरकारी नौकरी करते हैं उनकी सैलरी है एंड ये सबसे बड़ा रीजन इसलिए क्योंकि वो बोलीवारेस में कमाते हैं एंड बोलीवारेस को जब हम चेंज करोगे डॉलर में तो भाई पूरी वैल्यू खत्म हो जाती है इसीलिए यहाँ पे कोई बोलीवारेस में पैसे लेना नहीं चाहता ना ही पैसे कमाना चाहता सारे लोग भाई यहाँ पे डॉलर ही कमाना चाहते हैं ऑफकोर्स 500-600 रुपए में तो भाई कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे इतना महंगा है भाई वेनेजुएला कोलंबिया से भी बहुत ज्यादा महंगा बोलूंगा मैं इसलिए यहाँ पे बोल रही है हमारे फ्रेंड की यहाँ पे सरकारी नौकरी करने वालों को भी भाई बहुत सारे अलग अलग किस्म के काम करने होते हैं तो सारे जितने भी लोग चीजें बेचने लगते हैं सड़क में अलग अलग किस्म के बिजनेस करते हैं जिससे कि भाई उनका जो पूरा गुजारा है रहने के लिए वो कर पाए वो एक काफी सुंदर चर्च है यहाँ पे इज दिस चर्च कॉलोनियल चर्च स्पेनिश पीपल बिल्ड इट भैया हमारी दूसरी फ्रेंड आ गई सैंड्रा जिनको इंग्लिश नहीं आती Hola, ¿cómo estás, señorita? Hola, señorito. तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं इनको इंग्लिश आती है इनको इंग्लिश नहीं आती मोस्टली मैं इनसे बात करता हूँ इसीलिए इनसे तो मैं बात कर नहीं पाता या भाई बिलीव नहीं होता कल मैं रैंडमली इनको मिला यार सड़क पे कॉफी शॉप में मिला आज हम लोग इतने बढ़िया दोस्त हो गए ओके सो एज ए सोलो ट्रैवलर एज ए फॉरेनर हु कैन नॉट स्पीक स्पेनिश डू यू थिंक वेनेजुएला इज सेफ फॉर मी नाउ आई डोंट थिंक सो यू डोंट थिंक सो
Okay, what will happen to me? I don't know. They can steal your money. Steal my money? Yes. Okay. But like kidnap you? Maybe. Okay. यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो बैंक को वेनेजुएला, ये वेनेजुएला का बैंक है। तो मैं अभी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को एटीएम में लेके जाके थोड़े पैसे निकाल के दिखाऊं कि यार यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कैश का। पर व्हाट हैपेंड? नथिंग। Que la gente está mirándote porque estás grabando. Why you guys laugh so much? Because people smile to your camera. Oh, okay, that's why okay, I'm laughing. तो अभी हम सोच रहे हैं कि भाई कोई एटीएम में जाके आपको दिखाऊं, पर ये बैंक में एटीएम ही नहीं है। यहाँ पे आधे बैंक में भाई एटीएम ही नहीं होता क्योंकि पैसे निकालता ही नहीं है कोई, किसी को बोली वाला चाहिए ही नहीं भाई यहाँ पे जो लोकल करेंसी है। सो इन वेनेजुएला एवरीबॉडी वांट्स डॉलर। यस, वांट्स डॉलर और पेसोस फ्रॉम कोलंबिया। पेसोस फ्रॉम कोलंबिया। नोबडी हैज बैंक अकाउंट इन, दे हैव बैंक अकाउंट बट how this work, because I think you have to deal with cash, like only dollar. Yes. All cash. Yes. You cannot put in bank account. The bank account is only like for digital money, I think. Okay. So it's only for use the ATM, I don't know, but we don't. Okay. Have cash. Okay. Bolivar is cash, we don't have. Okay. It's not very common. And most of the people who do business or who have some money, they have all cash, like no money in the bank account. No. Yeah, okay. यहाँ पे और एक एटीएम में आए हम लोग, बैंक है एंड फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे भाई थिंक बंद है सारा भाई, बैंक भी खुला है नहीं खुला, जब बैंक चल रहा है यहाँ पे लोग हैं बैठे हुए पर एटीएम जो है बंद है एंड भाई स्क्रीन देख लो काली है भाई, मैंने कभी ऐसे एटीएम की स्क्रीन काली नहीं देखी है। एटीएम तो हर टाइम चलता रहता है हर जगह भाई, हम पूछ रहे हैं भाई एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं कहीं पे, कह रहे हैं भाई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड ने यार कैश का सिस्टम समझाया मेरे को अभी। तो यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया किसी को बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए नहीं क्योंकि बैंक अकाउंट में बोलीवारस होंगे तो वो भाई उसकी वैल्यू जो है कम होते जाएगी टाइम से टाइम, रोज यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है, आज जो वैल्यू है कल कुछ और हो जाएगा, ऐसे हो सकता है आज जो वैल्यू उसकी आधा हो जाएगा कल, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं सारे लोगों को सैलरी मिलती है कैश में, यहाँ पे किसी को अकाउंट में सैलरी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ तो हर महीने मेरे को सैलरी मिलेगी कैश में, वो मेरे को जो कंपनी का ओनर है वो मुझे कैश में डॉलर देगा, हाथ में डॉलर देगा। एंड फॉर एग्जांपल अगर कोई सरकार में काम कर रहा है यहाँ पे वेनेजुएलन सरकार में, तो उसको बैंक में मिलेगा वही 7-8 डॉलर जो हमारे फ्रेंड ने बोला, जो कि वेनेजुएलन करेंसी में मिलेगा लोकल करेंसी में। इसीलिए यहाँ पे सरकारी जो ऑफिशियल होते हैं इतने करप्ट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा था सारे लोग मेरे को पैसे मांग रहे थे कि हमको पैसे दो ऐसे करके, क्या ही होगा 7-8 डॉलर में आप क्या ही गुजारा कर लोगे। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिलता है एंड मोस्टली लोगों को प्राइवेट सेक्टर में काम करना होता है क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो महीने का 100-200 डॉलर वो कमा लेते हैं जो कि यूएस डॉलर में कमाएंगे वो लोग, जिसको अगेन वो लोग उसकी वैल्यू होगी कुछ वैल्यू रहेगी एंड उसकी वैल्यू कम नहीं होगी रादर देन अर्निंग इन द लोकल करेंसी विच इज बोलीवारस। तो यहाँ पे ये कह रही है यहाँ पे चीचा करके भाई यहाँ पे लोकल ड्रिंक होता है जो कि यहाँ पे बहुत मशहूर है यार, कोलंबिया में भी बहुत मशहूर है सुना है, यहाँ पे वेनेजुएला में बहुत सुना है चीचा चीचा हरदम करते रहते हैं। ओह सॉरी, व्हाट इज दिस चीचा, कैन यू एक्सप्लेन? इट्स अ ड्रिंक मेक ऑफ राइस एंड कंडेंस्ड मिल्क। ओके, कोमो स्टार्स क्वाड्रो चीचा। तो ये भाई देखो चीचा भाई ट्राई कर रहे हैं हम लोग अभी, मैंने अभी ट्राई किया, काफी हद तक स्मूदी जैसा भाई टेस्ट आ रहा है, ओरियो शेक टाइप बोल सकते हो आप लोग, थोड़ा बहुत कस्टर्ड का भी टेस्ट आ रहा है मेरे को यहाँ पे एंड ऐसा भाई ये दिखता है काफी फ्रेश, काफी रिफ्रेशिंग है यहाँ पे वेदर के हिसाब से बताऊँ अगर, और ऊपर भाई उन्होंने चॉकलेट भी दिया हुआ है, तो ऐसा भाई यहाँ पे होता है चीचा। ये चीचा एक्चुअली 1.5 डॉलर का है, ठीक है, तीन लिया हम लोग ने, दो 1.5 डॉलर का है जो कि अगर मैं बोलीवारस में पे करूंगा तो कुछ अराउंड 60 मिलियन मेरे को पे करने हैं, देख सकते हो 20 मिलियन 10 40 और 2 60 मिलियन पे कर रहा हूँ, अगर इंडियन रुपए में बताऊँ तो 6 करोड़ बोलीवारस पे कर रहा हूँ मैं दो चीचा के लिए, जो कि कॉस्ट है कितना 100 रुपये का, तो 100 रुपये की वैल्यू यहाँ पे 6 करोड़ के बराबर है जो कि अगेन मैं भाई साहब को यहाँ पे पे कर रहा हूँ। ये यहाँ पे लोकल फ्रूट है बोल रहे हैं वेनेजुएलन का, इसको कहते हैं यू से मामोनेस। ओके, कैन आई सी? ये देखो भाई फल देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग सा फल है। व्हाट इज इट? तो यहाँ पे भाई $105 मेरे को कुछ 80 रुपए में इतना दे दिया भाई फ्रूट, पता नहीं कैसे खाऊंगा मैं बट ले लिया मैंने, देखते हैं भाई इनको सपोर्ट भी करना हो जाएगा थोड़ा बहुत। मैंने वहाँ पे जो भाई की जहाँ पे वीडियो बना रहा था अभी, उनको मैंने $1 ऐसे टिप दिया एंड इतने खुश हो गए भाई, वो सही बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या बताऊँ मैं यार, यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है, पता चलता है यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे साथ लोकल दोस्त लोग हैं ये लोग खुद बता रहे हैं कितना मुश्किल है यहाँ पे जिंदगी। फॉर एग्जाम्पल अगर टूरिस्ट अगर मैं किसी को टिप देता हूँ तो उनकी शक्ल में दिखती है खुशी जब मैं उनको देता हूँ एक्स्ट्रा पैसे। भाई हम लोगों ने गाड़ी पार करी थी, गाड़ी के पार्किंग के लिए भाई यहाँ पे $3 की भाई पार्किंग फीस है देख सकते हो एंड यहाँ पे महीने की सैलरी लोगों की $7 है, समझ सकते हो इससे ये भाई सिचुएशन कितनी ख़राब है यहाँ पे यार। एंड मोस्टली यहाँ पे भाई हम लोग तो यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट करते हैं
आई थिंक मेजोरिटी आई थिंक 60-70% जगह पे यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट करते हैं बोल रहे हैं. What does this mean? Adios, mommy. Adios, mommy. Bye, bye, mommy. तो यहाँ पे मेरे को सिखा. So if you see a pretty girl on the street, you say adios, mommy. Okay. तो यहाँ पे ये मेरे को लड़कियाँ बटाना सिखा रहे हैं मेरे को ये कि लड़कियाँ फ्लर्ट कैसे करना है यहाँ पे. So if I say adios, mommy, then she will be it's like compliment. Yeah, something like. Adios, mommy. Yes. Or you can say mamacita rica. Mamacita. Okay. Papacito. And you are a papacito. 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 What do you mean by that? You are like papi, like. Papi? What is papi? I don't understand what it's is papi. It's like daddy. Samajh rahe ho? Samajh rahe ho? Samajh rahe ho na? Like you are pretty daddy. Oh my god. Bhai, so you are telling me that I'm sugar daddy. Something like that. Oh my god. बड़े डेंजरस लड़कियां मिल गई मेरे को. मैंने तो यहाँ पे यार हमारे फ्रेंड्स लोग यार लोकल मार्केट में लिखे हैं ओला कुम उस्ताद बियन. यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे देखने को मिल गए स्कूल के ओला. एंड यहाँ पे फिलहाल एक लोकल मार्केट है यहाँ पे. एंड यहाँ पे अलग अलग किस्म किताबें बेच रहे हैं इनके ओला. छोटे शहर में यहाँ पे भाई ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पे सारे जितने भी लोकल चीज़ें आपको खरीदनी होती है ऐसे मार्केट में देखने को मिलती है आपको. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अलग किस्म चीज़ें देखने को मिल रही है आपको. यहाँ पे थोड़े बहुत फल फूल हैं सब्जियाँ यहाँ पे. फॉर एग्जांपल देख सकते हो भाई ऐसी भाई वेनेजुएला में सब्जी मंडी भाई देख सकते हो. यहाँ पे फल फूल सारा भाई फ्रूट वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है. अंडे देखने को मिल रहे हैं. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जिस तरह ही इज जस्ट लुकिंग विजिटांडे You need to try something. What can I try? Ask her to make me try something local. Él quiere probar la cosa más típica que tenga. ¿Qué es lo más típico? ¿Te comida? Ah, you want something like drink, like wine or something. Wine? She has wine? ¿Cuál es el más típico? यहाँ पे मेरे को ये wine try करवा रही है local drink. तो ये भाई यहाँ पे देख सकते हो इनके बहुत traditional. She had wine, she had miches. Miches? Sí. Oh, michelada. No, miche. Oh, miche. That's the name for the drink with alcohol. Okay. तो ये भाई यहाँ पे local wine बता रही है ये यहाँ पे Venezuela की भाई. This is local drink. Yes, it's like a wine. ओके तो यहाँ पे भाई इन्होंने यार दुकानदार से इन्होंने बताया कि आप थोड़ा यहाँ का लोकल ड्रिंक ट्राई करो. तो ये भाई ट्राई करते हैं देखते हैं भाई कैसा होता है. लोकल वाइन बोल रहे हैं रेड वाइन देखने को लग रहा है. वेरी नाइस बीएन लोकल वाइन बता रहे. कैन यू आस्क इज दिस मेड इन वेनेजुएला. यस अ वाइन फ्रॉम ब्लैकबेरी. बेरी यस यस ब्लैकबेरी यस यस. तो बेरी के सारे भाई वाइन है. वाइन मेरे को भाई काफ़ी पसंद है. नॉर्मल में वाइन पीता भी हूँ. काफ़ी बढ़िया वाइन बताऊंगा मैं जितने भी मैंने अब तक वाइन ट्राई करे हैं. मुचेस ग्रेसियस. You want something stronger than that? I think it's good. See. तो भाई यहाँ पे इनका कल्चर देख लो भाई ऐसे यहाँ पे सारे कल्चर है यहाँ पे इनके. Oh my God, this is so strong. This is very strong. भाई बहुत strong. Yeah. She is the real person who party a lot. But बहुत strong है यार ये मेरे से तो पिया नहीं गया. It's strong yeah. थोड़ा बहुत वोडका ऐसा टेस्ट है. This tastes like vodka. Vodka, you know vodka? Uh-huh. Yeah. No, but this is a stronger. A pico, yeah. A pico. Treat everything. Oh really? पता नहीं ये लड़कियाँ करवा रही जो भी करवा रही. Do it. Oh. Very strong. सारी हंस रही है लड़कियाँ मेरे. मैं उतना पीता नहीं हूँ सर अब दारू. मैं उतना यूज्ड टू नहीं हूँ अल्कोहल से. जितने भी गाड़ियों की लाइन देख रहे हो भाई ये सारी पार्किंग नहीं है यहाँ पे भाई. ये सारे लाइन में खड़े हैं जिससे कि भाई ये तेल भरवा सके. ठीक है ना भाई. हमारे फ्रेंड बोल रहे थे भाई यहाँ पे लोग कभी कभार तो रात रात गाड़ी में सो जाते हैं क्योंकि नंबर आता ही नहीं भाई. पूरा दिन रुक जाते हैं ये लोग पर इनको भाई नंबर ये देख रहे हो आप लोग. जितनी भी गाड़ियां हैं सारी भाई पीछे एक पेट्रोल स्टेशन गया है पीछे गैस स्टेशन गया है सारी भाई लाइन में खड़ी है गाड़ियां. एंड ऐसे भाई यहाँ पे लोगों को भाई ऑयल भरवाना पड़ता है. अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी बॉर्डर क्रॉसिंग की मैं हरदम बोल रहा था यार ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी लग रही है यहाँ पे यार. मतलब पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए भाई. कंट्री जहाँ पे पेट्रोल मतलब उगता है यहाँ पे. पर भाई यहाँ पे हमारे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोल उगता तो है पर यहाँ पे भाई पेट्रोल होता नहीं है. एंड इसीलिए भाई यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए ऐसे लाइन में खड़ा होना पड़ता है. एंड लाइन में खड़ा होने के बाद भी कभी कभार मिलती है कभी कभार नहीं मिलती है. इसीलिए जो प्राइजेस हैं ऑयल की वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है. मतलब वेनेजुएला से कंट्री में हमारी फ्रेंड बोल रही थी कुछ $1 तक का भाई यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस होता है. अराउंड 80-90 रुपये के अराउंड एक लीटर का भाई यहाँ पे प्राइस होता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है भाई. नॉर्मली जितने भी मैंने अरब कंट्रीज में ट्रैवल करे हैं सऊदी अरेबिया ईरान ले लो वहाँ पे भाई 10-10 रुपये 5-5 रुपये लीटर में भाई
पेट्रोल मिलता है यहाँ पे भाई 80 रुपए, एंड जबकि इनकी तनख्वाह भी नहीं है, कमाते भी नहीं है यहाँ के लोग। भाई अभी मैं वीडियो बना रहा था, अभी तक भाई लाइन खत्म नहीं हुई है। हाउ दे दिस गाइस मैनेज टू फिल द पेट्रोल इफ द लाइन इज सो बिग? व्हेन द गैस इज फिनिश्ड पीपल कैन जस्ट पुट इन देयर कार। ओके, दे मेक लाइक नंबर्स फॉर ईच कार, सो इट्स लाइक 200 कार्स फॉर अ डे। ओके, and like people have to wait like until unless they get their chance they have to wait in the line all the time. Yes bhai, dekh lo yaar aisi situation hai venezuela ki, abhi yaar samajh nahi aa raha, mere dimag sa kharab ho gaya mere ko itni lambi line dekh ke. maine aisi situation iske pehle sudan mein dekhi thi jo mere ko yaad hai, but wahan pe to samajh sakte yaar crisis chal raha hai, crisis to chalo yahan pe bhi chal raha hai, par yahan pe inke paas tel hai tabhi bhi crisis chal raha hai. यहाँ पे भाई ये जो गैस स्टेशन देख रहे हो पीडीवी, ठीक है, पीडीवी जो है ये सरकारी कंपनी यहाँ पे वेनेजुएला की, जिसने जितना भी ऑयल का इंडस्ट्री है सारे को भाई ओन करके रखा है. यहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है, हमारे पास इंडियन ऑयल होता है, एचपी होता है, जितनी प्राइवेट कंपनीज होती है रिलायंस की अपनी ऑयल होती है, ऐसे करके यहाँ पे सारा ऑयल जो है सरकारी कंपनी जो है पीडीवी ये ओन करती है. तो मैंने इनको बोला कि ये पेट्रोल स्टेशन तो खाली लग रहा है यार, यहाँ पे कोई लाइन क्यों नहीं लगाया? तो हमारे फ्रेंड बोल रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे कोई लाइन नहीं लगाया. देखा तो भाई वेनेजुएला में हम लोग, वेनेजुएला में पेट्रोल स्टेशन खाली है क्योंकि भाई तेल ही नहीं है यहाँ पे, समझ सकते हो आप लोग, खाली पड़ी है पेट्रोल स्टेशन. यार मैंने कोई पता नहीं यार कहीं भी मैंने पेट्रोल स्टेशन खाली देखी हो, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं. यानी वेनेजुएला है यार, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है इस कंट्री के पास, समझ सकते हो आप लोग. एंड यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन की हालत ये है. ओके, व्हाट यू आर सेइंग? ओके, द अदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट दैट यू से दैट वी कैन पुट द गैस ऑन द कार एवरी डे, वी कैन डू द लाइट एवरी सिंगल डे, वी नीड टू डू इट एवरी फ्राइडे. ओके, तो हमारे फ्रेंड कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइन तो देख रहे हो आप लगा रहे हैं, पर यहाँ पे रोज भी आप लाइन लगा नहीं सकते, हर 5 दिन में आप एक बार लाइन लगा सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि भाई आप रोज लाइन लगा रहे हो. सो हाउ डू द टैक्सी पीपल एंड द पीपल हु वर्क इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेज? द पीपल डू दे बाय गैस फॉर अदर पीपल एंड दे सेल द गैस मोर एक्सपेंसिव. ओके, तो ये सिस्टम है यहाँ पे भाई, लोग खरीद के रख लेते हैं जब उनकी बारी आती है. गॉट इट, यस. तो भाई यहाँ पे ब्लैक मार्केट सिस्टम होता है जहाँ पे लोग फिर महंगे प्राइस में बेचते हैं. एंड हाउ मच इज द प्राइस ऑफ 1 लीटर गैस? कैन यू टेल? $1 और मे बी 2. ओके, क्रेजी भाई साहब, ये भाई चीज है, यहाँ पे हालत है भाई वेनेजुएला की. यहाँ पे मेरिदा में यार एक रेस्टोरेंट में लेके आए लोकल रेस्टोरेंट है बोल रहे हैं. एंड यहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा है, रियल मैड्रिड और आई थिंक बायर्न म्यूनिख का है. एंड यहाँ पे लोग इतने क्रेजी है भाई साहब, लोग उछल कूद रहे हैं भाई यहाँ पे. एंड ये भाई थोड़ा अपर क्लास रेस्टोरेंट टाइप बोल सकते हो आप लोग, ऐसा भाई मॉल होता है वेनेजुएला में. तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट देख रहे हो, वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाया हम लोगों ने, 3 लोगों का खाना खाया, ठीक है. अगर डॉलर में बताऊँ तो कुछ $28 का भाई बिल आया हमारा. एंड लोकल करेंसी में अगर बताऊँ तो हमारा बिल अराउंड 1027 बोलीवारस का आया है, ठीक है ना. इसमें अभी अपने को 6 जीरो लगाने हैं, ठीक है. ये तो इन्होंने 0 कम करके लगाया क्योंकि भाई इतने 0 है, तो 6 जीरो लगाऊँ अगर 1 2 3 4 5 6, अरे मेरा कैलकुलेटर में 0 ही नहीं आ रहा, इतने 0 हो गए, ठीक है ना भाई. भाई कुछ अराउंड 10 करोड़ 27 लाख बोलीवार का भाई हमारा बिल आया है यहाँ पे. उसमें भी भाई 10 करोड़ में से शायद आई थिंक 100 करोड़ होगा, और एक 0 लगाना था, वो 0 आ ही नहीं रहा मेरे कैलकुलेटर में. तो भाई देख सकते हो ये हालत है यहाँ पे. अब मैं ये आप लोगों ने हर रेस्टोरेंट में बताऊंगा वेनेजुएला में, क्योंकि हर जगह भाई यही होने वाला है, इतने बड़े बड़े नंबर होने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हो गया है इनके करेंसी के वैल्यू का. पिछले भाई यहाँ की सरकार ने पीछे के 6 जीरो काट दिए. ये कुछ अराउंड 100 करोड़ हमारे इंडिया के कुछ अराउंड बोल सकते हो अराउंड 2300 रुपये, हाँ जी 2300 रुपये इज इक्वलेंट टू वेनेजुएलास 100 करोड़ वेनेजुएलन बोलीवारस. एंड यही रीज़न है गाइस कि यहाँ पे भाई नॉर्मल लोग जो बोलीवारस में यहाँ पे पैसे कमाते हैं वो ऐसे रेस्टोरेंट में कभी सोच भी नहीं सकते भाई कि आके यहाँ पे खाना खाए, क्योंकि यार जैसे उन्होंने बताया डॉलर से सारा कुछ कन्वर्जन हो रहा है. अगर आप डॉलर में कमाओगे तो यहाँ पे दे पाओगे, ऐसी जगह पे आ पाओगे. एंड इसीलिए सभी को भाई वेनेजुएला में डॉलर चाहिए. ये भाई मोटा मोटा कंडीशन है वेनेजुएला का जो मैंने आप लोगों को दिखाया. अभी तो और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो मैं बस छोटे शहर में लेके गया हूँ. अभी आप लोग काराकस लेके जाऊँगा, वेनेजुएला के जितने भी और पार्ट्स है वहाँ पर लेके जाऊँगा. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे. एंड आई थिंक वेनेजुएला मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डॉलर में हो चुका है. कोलंबिया से कंपेयर करूँ, यही सेम खाना अगर मैं कोलंबिया में खाता तो $28 से अराउंड आई थिंक $20 तक शायद मेरा हो जाता. उस हिसाब से आई थिंक वेनेजुएला जो है मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि सब कुछ डॉलर में है भाई यहाँ पे.